हंसी मस्ती से जोड़ना चाहता हूँ। आज देश के बड़े बड़े कवि अपनी इस धरती पर आए हैं। ये अभी बता रहे थे सुरेंद्र दुबे जी दुनिया के सबसे बड़े कवि है, ये बता रहे प्रवीण शुक्ल जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि, ये बता रहे थे हरियाणा के सबसे बड़े कवि। मैं इतना बढ़िया कवि नहीं हूँ, बस ये जितने कवि आए हैं उनमें से सबसे बढ़िया हूँ। मैं कुछ हंसी मस्ती के साथ, अरे आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी इनकी तरह नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। ओहो, मैं आपको कुछ हंसी मस्ती से जोड़ना चाहता हूँ। आज देश के बड़े बड़े कवि अपनी इस धरती पर आए हैं। ये अभी बता रहे थे सुरेंद्र दुबे जी दुनिया के सबसे बड़े कवि है, ये बता रहे प्रवीण शुक्ल जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कवि, ये बता रहे थे हरियाणा के सबसे बड़े कवि। मैं इतना बढ़िया कवि नहीं हूँ, बस ये जितने कवि आए हैं उनमें से सबसे बढ़िया हूँ। मैं कुछ हंसी मस्ती के साथ, अरे आपको ये बात तो पता चली गई होगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी इनकी तरह नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। ओहो, मैं हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान समाज ज्ञान संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। बहुत अच्छे। और जब क्लास में किसी को कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्वेश्चन किया, अपन ने उत्तर दिया। और मैं एक बात आपको बता दूं, आप जब पढ़ते थे, आजकल तो बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल आपकी कोई गाड़ी जाती है, स्कूल की गाड़ी आती है, आप स्कूटर मोटरसाइकिल से छोड़ देते हैं। पुराने टाइम में जितने लोग बुजुर्ग बैठे हैं उस समय स्कूल जाते थे तो सबको पैदल जाना पड़ता था। क्यों मुस्तफा जी, सही है ना? कोई साधन नहीं था, सब पैदल जाते थे, सबको पैदल जाना पड़ता था। लेकिन केसरदेव मारवाड़ी ने उस टाइम भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा। मैं उस समय भी कभी पैदल नहीं गया स्कूल से। गुरुजी चार छोरों को भेजते थे, नो दो हाथ पकड़ते, दो टांग पकड़ते, आए हाय, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ स्कूल आता। आए हाय। तो क्लास में मैं इंटेलिजेंट भी बहुत था चिराग भाई। और लोगों के तो अभी 94% आ जाए तो टेंशन में आ जाए, 96 आ जाए तो घरवाले उसको कहते हैं तुम्हारे पूरे नंबर नहीं आए। आदरणीय गोविंद सिंह जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ता था मेरे पूरे नंबर आते थे, 100 में से पूरे नंबर आते थे, एक नंबर कटता था, वो भी इधर वाला। लेकिन कभी अपन ने टेंशन नहीं लिया। और मैं बताऊं, साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, अपन ने जवाब दिया, मेरा जवाब सही लगे तो आपकी तालियां मैं चाहता हूं। एक दिन साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में कन्वर्ट करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। अरे मैंने कहा सर ये क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के इस क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं। अरे मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। बहुत अच्छे, हाय हाय यार, अपने गांव की साइंस ज्यादा एडवांस है इस साइंस। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश। रमेश ने कहा सर ठोस द्रव गैस सॉलिड लिक्विड गैस। बोले एग्जांपल देके बताओ रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी ने किया ये सवाल, बोले यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे, तीनों स्टेट में कैसे। तो मैंने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो सॉलिड होती है, ठोस होती है। जब मम्मी उसे बनाती है तो द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनके गैस बनती है। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। और अगले सवाल का जवाब तो सिर्फ अपने शेखावाटी के मारवाड़ के लोग ही दे सकते हैं, ये कोई नहीं समझ सकते। सवाल आप तक पहुंचाता हूं। साइंस के गुरुजी ने क्लास में क्वेश्चन किया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को आज क्लास में मत करवाओ। बोले क्यों? अरे मैंने कहा सर इसी क्वेश्चन के कारण पिछली क्लास में गुरुजी चोट खाकर आए हैं, आप तो रहने दो, आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। अच्छा गुरुजी यूपी के थे, उनके बात समझ में नहीं आई, उसने मेरे को बुलाया मारवाड़ी इधर आओ। मैंने कहा क्या? बोले यार ये मोट कौन सा फल है। अरे सर मैंने कहा रहने दो, ये आरडीएक्स से भी ज्यादा खतरनाक विस्फोटक फसल है।
ये राजस्थान का आदमी बता सकता है। गुरुजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? जवाब आपके दिल तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहता हूं। साइंस के गुरुजी ने क्या क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते? मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे, दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। ब्यूटीफुल पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं, उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। जिंदाबाद, क्या हास्य से करुणा पर आए आए। गुरु जी ने खट बदल लिया, बोले तेरी मैथ्स कैसी है? मैंने कहा सर मैथ्स जोरदार। बोले मारवाड़ी एक बात बता, एक बाल्टी तुम्हारे घर में 10 लीटर की, दूसरी 20 लीटर की, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में एक घंटा लगता है तो 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा सर 7 घंटे। बोले छोरा तू समझा को ना, मन दोबारा समझायो। बोले एक बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की, 10 लीटर की बाल्टी भरवा में अगर एक घंटो लागे तो 20 लीटर की बाल्टी भरवा में कितना टाइम लगेगी? अरे मैंने कहा सर कह दिया ना 7 घंटे। तो गुरुजी ने मेरे को मारवाड़ में बताया, मैंने कहा छोरा लगता है तेरी कोई पर्सनावली छुटेड़ी है। मैंने कहा सॉरी सर मेरी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है। यार अपने घर की प्रॉब्लम गुरुजी को थोड़ी पता है, बतानी पड़ती है हर कोई चीज। अब की बार गुरुजी ने मेरे को मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबकीय आकर्षण का पाठ पढ़ाया। ओहो, अब अपन मारवाड़ी आदमी, मैंने तुरंत प्रैक्टिकल शुरू किया। गुरुजी ने जो ही चुंबकीय आकर्षण यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाया, मुझे क्लास में बैठी एक छोरी में खींचाव नजर आया। गुरुजी के जाते ही मैं अपने रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई चिराग ने मेरी पोल खोल दी। गुरुजी एक लठ लेकर आए, मेरी चमड़ी छोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छे, वाह। अपने साइंस गुरुजी ने मेरे को उलझाने के लिए सब्जेक्ट बदला, बोले हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। अब मेरे को हृदय का मतलब पता नहीं। मैंने भाई अनिल अग्रवंशी से पूछा यार ये हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं? ये भाई भी ज्ञानी। मैंने कहा हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं? बोले हार्ट हिंदी में। अरे मैंने कहा ये तो मामला सुरेंद्र जी का है। मैंने सुरेंद्र जी से पूछा मतलब हृदय मतलब? अरे बोले दिल। अरे मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है? अपनी बहुत प्रैक्टिस। मैंने वो पान वाला चित्र बनाया। आपने भी अपने टाइम में प्रैक्टिस की होगी। वही वही वही। तो मैंने वो पान वाला चित्र बनाया, बीच में एक तीर का निशान भी फसाया। और गुरुजी ने कहा नामांकित, तो अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनीता, सुनीता, कविता। गुरुजी बताओ और कितना? नो। गुरुजी ने ही सब्जेक्ट बदल लिया। गुरुजी ने कहा तेरी संस्कृत कैसी आ रहा है? मैंने कहा सर संस्कृत का मत पूछो। बोले कोई संस्कृत की उक्ति सुनाओ जिससे हमारे बात समझ में नहीं आए। मैंने कहा जैसे बोले पुत्र त्वम कुत्र गच्छति, इसका जवाब दो। बोले पुत्र त्वम कुत्र गच्छति। मैंने कहा अहम गायामि कुत्र लायामि। संस्कृत में सेटिंग ही मिलानी पड़ती है। मेरे को कहा मैं कोई संस्कृत का श्लोक तू बता सकता है क्या? मैंने कहा हाँ बताओ। बोले मैं कोई उदाहरण दूं तो तुम हिंदी अर्थ कर दोगे? मैंने कहा हो। गुरुजी ने मेरे को उदाहरण दे दिया आदरणीय प्रवीण जी, वो सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ करके बताओ। अरे मैंने कहा सर वेरी सिंपल, सुन जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिने यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। ओह, सर्वे संतु निरामया। अब नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब। सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। बहुत अच्छे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हे माँ अब भाग कर मैं भी जाऊं तो कहाँ जाऊं? गुरुजी ने कहा छोरा तू स्कूल का नाम खराब करेगा, तेरी इंग्लिश। अरे मैंने कहा सर इंग्लिश की टेंशन मतलब? बोले नहीं तुम एक काम करो, मैं एक बार इस बार ऐसे आएगा एक बेस्ट फ्रेंड का, रट लो कॉपी खाली मत छोड़ना, वो लिख के आ जाना। तो गुरुजी ने बताया था जैसे, ठीक वैसे का वैसे मैंने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे।
आपको बताऊं कैसे. आई हैव मेनी फ्रेंड्स. मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड. यूजुअली कम टू माई हाउस. माई मदर ऑल्सो लव हिम. एंड ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. अपन ने रट लिया पर चिराग भाई गड़बड़ हो गई. बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया. पर अपन तो मारवाड़ी आदमी जहां जहां फ्रेंड दिखाता वहां वहां फादर छेड़ दिया. आई हैव मेनी फादर्स. ब्यूटिफुल मजा ही कर दिया. मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर. ही यूजुअली कम टू माई हाउस. अच्छा. माई मदर ऑल्सो लव हिम. एंड ए फादर इन नीड इज फादर इन डीड. वेरी गुड. बहुत अच्छा. तो मैं तो ऐसी हंसी मस्ती के बीच चलने वाला चाहिए.